सो बस ये वाला तो ट्रेंड अभी बहुत टाइम से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मतलब कि आपको कैसे एडिट करना है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको एकदम मेन मेन पॉइंट बताऊंगा एंड आपको सीधा एडिटिंग पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाना है आप सभी को, और यहाँ पर एक जो है गाइस आप लोग को एक फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपको मतलब मैंने बोला था कि मैं आपको घुमाऊंगा नहीं और आपको मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, तो गाइस इस चीज़ मत सोचना भी, ठीक है, क्योंकि अभी जो वीडियो की स्टार्टिंग है तो मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो है पहले जो लिंक मिलेगा, पहला जो लिंक होगा इस पर जाना है आपको, एंड यहाँ पे फर्स्ट वे आपको ये फॉन्ट मिल जाएगा एंड आपको जहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है गाइस, ठीक है। अब डाउनलोड कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है। अब आपको कई लोगों ने तो कोई बहुत सारे ऐप डाउनलोड करवा दिए होंगे, बट यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको एकदम डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको यहाँ पे जो है फॉन्ट वगैरह कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड में चले जाना है, यहाँ पे गाइस आप लोग को यहाँ पे नाम देख लेना है कि किस नाम से है, ठीक है, फोन डाउनलोड हुआ है। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे पिक्सआर्ट में चले जाना है। पिक्सआर्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, जब पिक्सआर्ट ऐप को जब आप ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग अपना नाम लिख लेना है, आप अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब गाइस देखिए यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ पे माय फॉन्ट्स में चले जाना है, यहाँ पे फिर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपके यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। एंड जैसे आपकी फाइल ओपन होगी यहाँ पे जो गाइस मैंने आपको बताया था कि नाम देख लेना वहाँ पे, एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है उस नाम को, ठीक है। यहाँ पे अरवन जो है इस तरीके से मतलब पहला नाम भी लिख दोगे तो वो भी आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो जैसे कि देख लिया यहाँ पे मैंने लिखा एंड रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग को जो है सबसे लास्ट वाला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट वाला जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे गाइस देख लीजिए यहाँ पे शो हो रहा है गाइस, ठीक है, फॉन्ट यहाँ पे आ चुका है। अब आपको फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है, देन आपको जो है यहाँ पे इसको सेव कर लेना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डायरेक्ट जो है गाइस इसके बाद मैं आप लोग को लेकर चलूंगा यहाँ से जो कि कैपकट ऐप के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो वी एन ऐप पे भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कैपकट ऐप का यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले गाइस हम इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे गाइस, ठीक है, जितनी आपको चाहिए उतनी, मतलब कि 14 सेकंड तक की हमें लेंथ चाहिए इसकी। फिर उसके बाद सबसे पहले ऑडियो ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ऑडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऑडियो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा वो आपको साइड में जो है गाइस उसका टाइमिंग दिखता रहेगा गाइस, ठीक है। एक तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लगाना है गाइस, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे स्टार्टिंग में लगाना है, देन आप लोगों को एक यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आपको साइड में टाइम दिख जाएगा गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको टाइम दिखते रहेगा एंड उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना है गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है एनिमेशन आप अपने हिसाब से देख के लगाना, ठीक है, क्योंकि सबको जो है अलग अलग टाइप के एनिमेशन पसंद होते हैं, तो आप उस टाइप से लगा लेना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से ही लगा रहा हूँ, और ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि गाइस अगर मैंने आपको बोल दिया तो आप अपनी मर्जी से लगाओ, अगर आप जो मैं लगा रहा हूँ अगर आप चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, ठीक है। तो अभी हम इसको लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है गाइस आप लोग जो है अपने हिसाब से यहाँ पे जो है आप लोगों को एडजस्टमेंट वगैरह भी कर लेनी है, और जो मतलब कि आपको यहाँ पे जो है ब्लैक फ्लैश वगैरह भी आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग आपको दिख रही होगी साथ के साथ, तो आप वैसे ही वैसे करते रहना, ओके। सो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद फिर एक हम यहाँ पे लगा लेंगे, लास्ट में 2 बीट आती है, ठीक है, 2 नहीं 2-3 आती है वैसे तो, पर मैं यहाँ पे 2 ही लगाऊंगा, ठीक है, अभी क्योंकि मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूँ इसलिए। तो अभी हम एक ही लगा लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ से प्ले करके चेक कर लेंगे एंड एक जो है यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं एंड यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है गाइस। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे एक स्प्लिट लगा के फिर आपको जो है यहाँ से ये वाले एनिमेशन वगैरह लगा लेना है गाइस, ठीक है, इफेक्ट वगैरह लगा लेना है आपको एंड यहाँ पे टाइमिंग वगैरह अपने हिसाब से आपको रख लेना है, ठीक है। तो एक हफ़े यहाँ पर भी लगा देंगे, तो यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं एंड यहाँ पर माइनस पर टैप करेंगे एंड यहाँ पर ये वाला लगाएंगे गाइस, ठीक है, ब्लर वाला। तो यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है एकदम कंप्लीट यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो बट यहाँ पे एक ब्लर वाला इफेक्ट लगाएंगे गाइस, ठीक है, यहाँ पे इसमें जाके वी एफ एक्स में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हमारी जो वीडियो एकदम अच्छे तरीके से एकदम एडिट हो चुकी है। तो गाइस बाकी हमारी वीडियो जो है आज की यहीं तक थी, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। बाकी चले गए मिलता हूँ किसी ने वीडियो में, तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।